भी आयु देखो, देखिए बीच में है सेंटर बना हुआ है। अरे क्लोरीन से कराए जाने कैसे थी, क्लोरीन से कराए जाने कैसे थी, आयोडीन से कराए इसमें डबल प्रॉपर्टी आपको दिखने लगेगी। कैसी प्रॉपर्टी देखने लगेगी, डबल प्रॉपर्टी दिखने लगेगी। और बच्चों आयोडीन को लेना बड़ा ही खतरनाक हो गया, ठीक है, क्यों अभी डबल प्रॉपर्टी में आपको सामना नजर आएगा। आयोडीन से अगर आप एल्किल हैलाइड बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल करता है। कैसा करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। बच्चों तुम प्रोडक्ट बनाओगे और दोबारा जब पुराने रूप में पहुंच जाएगा, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा क्या थी, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। नेचुरली ये जाना गया कि मान लिया गैसों के बीच में होने वाली अभिक्रिया अधिकांश रिवर्सिबल होती है। मैं ओरिजिनलिटी दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन गैस से कराई है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल देखा गया, तो इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराने पर हम लोगों को नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर सिंबल हम लोग डीएनए लगाते हैं, हम लोग सिंबल लगाते हैं अर्ध ई डबल हाफ एरो। अभी डबल हाफ एरो बता क्या है कि N2 प्लस O2 मिलकर, ये वाला देख रहे हैं, N2 प्लस O2 मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। और अगर आपने छोड़ दिया ऐसे ही तो ये दोबारा से टूट कर ये फिर बदल गया, तो ऐसे अभिक्रिया क्या होगी, ऐसे अभिक्रिया होगी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स हो गया वापस आ गया। तो ऐसे प्रोडक्ट तो आयोडीन को लेना खतरनाक नहीं हुआ, मैंने बर्बाद पूरा पैसा बर्बाद प्रोडक्ट बनाया, दोबारा से खतरनाक रूप से वापस आया, इसके पता है नहीं। प्लस डबल हमने बोला, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर जब भी इसका सिंबल होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन कैसा देगा, रिवर्सिबल भी देगा, रिवर्सिबल भी देगा, प्लस स्लो भी रहेगा। बच्चों एक तो स्लो, दूसरा रिवर्सिबल, इसलिए आयोडीन को लेना खतरनाक, ये ध्यान रखना। अब आइए सबसे खतरनाक अब आ रहा है, प्लस अब क्लोरीन की प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी। अगर आपने यहाँ पर क्लोरीन को ले लिया, किसको ले लिया आपने, क्लोरीन को ले लिया, तो बच्चों ये इतना खतरनाक है कि इसको अगर रासायनिक अभिक्रिया आप करा रहे हो तो 10 कदम की दूरी बना लो, ठीक है, 10 कदम की दूरी बना लो, दिस इज कॉल्ड ऑफ एक्सप्लोजिव। ये विस्फोट करेगा, क्या करने वाला है, विस्फोट करेगा। एल्केन की अभिक्रिया, अगर क्लोरीन की अभिक्रिया आपने एल्केन से कराई तो वहां पर जो रिएक्शन होगा वो एक्सप्लोजिव होगी। क्या होगी, एक्सप्लोजिव होगी, विस्फोटक होगी। प्रोडक्ट बना और विस्फोट हो गया तो पूरा कंपनी में तबाही मच जाएगी, गड़बड़ा जाएगा। ये क्लोरीन देखिए, हम ये हैलोजन की प्रॉपर्टी, आप समझ में आ रही है सबको बात, ठीक है, कि अगर आपको प्रॉपर्टी का ज्ञान है तो आप खुद अंदाजा लगा सकोगे कि कौन सा हैलोजन लेना बेहतर है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर कौन नजर आ रहा है, एक तो सेफ है, ठीक, पहली बार ये सेफ है, फास्ट है, विस्फोटक नहीं है। क्या चीज, एक्सप्लोजिव क्या अंदाजा लगा सकते हो।